सरकारी वजह ना फसल को मेरा छोटा भाई रात को अपने ससुराल गया था और रास्ते में पता नहीं कोई तो उसके साथ दुर्घटना हो गई। अब ये साबित नहीं हो रहा कि एक्सीडेंट है या किसी की साजिश है, उससे इसी मौके पर ही मौत हो गई। और रोड वालों की एक लाइन चल रही है, एक लाइन बंद है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। हम कुछ साफ क्लियर नहीं कर सके किसी की साजिश है या एक्सीडेंट है। तो अभी क्या एक स्पेशल मांग आपकी प्रशासन से रही? हमारी ये मांग है सर कि हमें इंसाफ चाहिए, इसकी सही से जांच पड़ताल हो और हमें क्लियर इसका इंसाफ चाहिए। पुलिस टीम कब तक पहुंची थी यहां पर? पुलिस का सर रात को पहुंची थी, पता नहीं कब पहुंची थी। उन्होंने हमें सुबह इंफॉर्मेशन किया, कोई 8 बजे गई थी। अच्छा, आपको सुबह पता चला इसका? जी सर। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है दीपा नाई था हमारे गाँव का ही। ये सिर्फ IRB की जो सड़क थी फोर लाइन की, उसकी वजह से कारण हुआ। एक साइड से रास्ता चालू हुआ, दूसरी साइड से जो पुलिस का काम लगा है, अगर उस साइड से रास्ता बंद होता तो इधर से कोई भी व्हीकल ना जाता। इस तरफ से व्हीकल आने के कारण रात को जो बाइक पे हमारा दीपा जी आए हैं, वो जंप लगा और ये देखिए ना पुली और पुली और रास्ता जहाँ पे काम नहीं लगा है, पुलियाँ लगी हैं, तो कोई भी जीएस ग्रोवर ने रास्ता बंद नहीं किया है। ये एक्सीडेंट इनकी लापरवाही से हुआ है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि जो भी काम लगा है, जिस तरफ से गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर उनको बंद करना चाहिए था। ये तो बिना वजह से मौत जो है इनके ऊपर क्लेम करना चाहिए कंपनी के ऊपर, IRB या जो भी फोर लाइन में लगी हुई है। महोदय से प्रार्थना है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी मौका आके देखें, जिस तरफ से गाड़ियाँ नहीं जाती उस तरफ से वो रास्ता बंद नहीं किया हुआ। जब कोई गाड़ियाँ आती हैं तो उसको पता ही नहीं है कि लेफ्ट जाना या राइट जाना है। जिस साइड से पुली बनी है उस साइड से बैरिकेड लगा के रास्ता बंद करना चाहिए। तो सारे लोग आए हैं, इसकी दो बेटियाँ हैं दीपा जी की, और ये नाई की दुकान करता था बुढ़वार में, हमारे गांव का लड़का था, बहुत ही होनहार था, काफ़ी छोटी उम्र है इसकी। तो इसकी पूरी प्रशासन के से अनुरोध है कि कोई ना कोई सहायता की जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।